नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है भारत में ब्रह्म विद्या आंदोलन की नेत्री एनी बेसेंट की जयंती। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज एनी बेसेंट की जयंती है, वही एनी बेसेंट जिनके नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत इनकी कर्मभूमि बन जाएगा, जहां वे थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनेंगी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक के साथ ही भिन्न स्तरों पर होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट ने नई पहचान दी थी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। इनके माता पिता आयरिश मूल के थे। जब यह मात्र 5 वर्ष की थी, तभी इनके पिता का निधन हो गया था। 1867 में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पादरी फ्रैंक बेसेंट से शादी की। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। वह अपनी बेटी के साथ लंदन में बस गई, जहां वह अपने क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के लिए जानी गई। इन्होंने विचार की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, जन्म नियंत्रण और मजदूर वर्ग के अधिकारों की वकालत की। 1877 में इन्होंने चार्ल्स ब्रेडलॉ के साथ जन्म नियंत्रण पर एक विवादास्पद पुस्तक लिखी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस पुस्तक के लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। 1888 में इन्होंने लंदन की मैच गर्ल्स की हड़ताल का नेतृत्व किया। 1889 में इन्होंने एक प्रमुख थियोसोफिस्ट H.P. ब्लावात्स्की द्वारा लिखित द सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ा और उसकी समीक्षा की। साथ ही थियोसोफिस्ट आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गई और 1909 तक बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती सदस्यों में से एक थी। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किया। 1917 में इन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसी वर्ष वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे साप्ताहिक समाचार पत्रों के जरिए एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की लड़ाई लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914 में इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की शुरुआत की। इसी वर्ष इन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद कर उसे न्यू इंडिया नाम दिया। बेहद खुले विचारों वाली एनी बेसेंट हर बुराई के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाती थी। वह लंदन में लंबे समय तक सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही थी। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना मशहूर भाषण दिया, तब इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में स्काउट आंदोलन को चर्चित बनाया। इन्होंने भगवद गीता का इंग्लिश अनुवाद भी किया। वे भारत की संवैधानिक रूपरेखा पर विचार करने वाली पहली महिला नेताओं में से एक थी। भारत में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह जुड़ी समस्या आदि को दूर करने के लिए बेसेंट ने ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था बनाई। इस संस्था की सदस्यता के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया, जिसमें दिए गए बिंदुओं को मानना जरूरी था। ये बिंदु इस प्रकार थे: मैं जात पात आधारित छुआछूत नहीं मानूंगा। मैं अपने पुत्रों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले नहीं करूंगा। मैं अपनी पुत्रियों का विवाह 16 साल की उम्र से पहले नहीं करूंगा। मैं पत्नी, पुत्रियों और परिवार की दूसरी स्त्रियों को शिक्षा दिलाऊंगा और कन्या शिक्षा का प्रचार करूंगा। मैं जन साधारण में शिक्षा का प्रचार करूंगा। सामाजिक राजनीतिक जीवन में वर्ग आधारित भेदभाव को मिटाने की कोशिश करूंगा। सक्रिय रूप से उन सामाजिक बंधनों का विरोध करूंगा जो विधवा पुनर्विवाह के समय सामने आती है। 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का अडयार में निधन हुआ था। आइए अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
भारत में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए एनी बेसेंट ने ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक संस्था बनाई थी। दूसरा कथन है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे साप्ताहिक समाचार पत्रों के जरिए एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की लड़ाई लड़ी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके चार विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।